दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जिससे कि आपकी फ़ोन की जो बैटरी है अगर नहीं चलती है, अच्छे से नहीं चलती है, सुबह आप चार्ज करते हैं, मान लीजिए सुबह आप सुबह 100% चार्ज करते हैं, थोड़ा बीच में गेम वेम खेलते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, और शाम तक आपकी बैटरी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एंड्रॉइड की, तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको गारंटी के साथ बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको दो ऐसे वर्किंग सोल्यूशन बताने जाऊँगा, बिल्कुल ओरिजिनल सोल्यूशन ऐसे बताऊँगा आपको कि जिस सोल्यूशन में अगर आप यूज़ कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके फ़ोन की जो बैटरी वो तीन चार दिनों तक आराम से चलेगी 100% चार्ज के साथ। यानी अगर आप मान लीजिए आज इसको चार्ज करते हैं तो अगले 3 दिनों तक आपकी बैटरी जो है अच्छे से चलेगी। और आप इस ट्रिक को यूज करके देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक को फॉलो करके देख सकते हैं, और ये ट्रिक जो है बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी ट्रिक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और यही बैटरी को एक बचाने का एक 100% लीगल और वर्किंग तरीका है जिससे आपकी बैटरी जो है बच जाएगी। दोस्तों, आज के टाइम पे आप क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन वगैरह देख पाएंगे जिससे बैटरी सेवर करके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिससे जो ये बताने का दावा करते हैं कि आपकी बैटरी को जो है वो सेव करके रखेंगे, ये करके रखेंगे, वो करके रखेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आपको दो ऐसे वर्किंग सोल्यूशन बताऊँगा जो सोल्यूशन अगर आप यूज़ कर लें तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपकी फ़ोन की जो बैटरी है 3 दिनों तक आराम से चलेगी 100% चार्ज के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला तरीका यह है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने सेटिंग्स में आना है, फोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, यहाँ पे आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको आना है अबाउट फोन के अंदर। दोस्तों, अबाउट फोन का जो ऑप्शन है वो आपके ऊपर नीचे हो सकता है, आप इस ऑप्शन को देख लीजिएगा कि कहाँ है इस अबाउट फोन का ऑप्शन जो है वो कहाँ है। आपको अबाउट फोन का ऑप्शन जो है वो अच्छे से चेक करना है। यहाँ पे अबाउट फोन के ऑप्शन में आपको यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन के अंदर आ जाना है, जैसे मेरा ये जो है वर्जन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे वर्जन वाले ऑप्शन को यहाँ पे 7 बार आपको क्लिक करना है, या फिर आपका बिल्ड ऑप्शन हो सकता है मेरा वर्जन है, तो यहाँ पे 7 बार जब क्लिक करेंगे तो फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन में आपको आना है, उसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं नया ऑप्शन आ चुका है, बिल्ड हो चुका है डेवलपर ऑप्शन, जो आपके बिल्ड ऑप्शन पे 7 बार क्लिक करने के बाद ही आया है। तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है। और ये दोस्तों, ये ट्रिक मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप ऐसे वैसे यूज़ मत कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को गलत फॉलो कर लेंगे तो आपके फ़ोन की जो सिस्टम्स वगैरह है बिगड़ सकते हैं, साउंड वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ये जो ट्रिक है बहुत ही सावधानी से सतर्क तरीके से यूज़ कीजिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा ही वीडियो को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे जो है दिख गया है। डेवलपर ऑप्शन दिखने के बाद आपको सबसे पहले जो है इस डेवलपर ऑप्शन को अनेबल कर देना है, यानी कि अब जो है आप अपने फ़ोन की कुछ बिल्ट इन सेटिंग्स को चेंज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले बैटरी के लिए आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका लिखा हुआ है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। आपको इस बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप जितने भी फ़ोन के अंदर जितनी एप्लीकेशन यूज करते हैं, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर है ना, और जो शेयर इट और ये बाकी के जितने भी एप्लीकेशन वगैरह जो आप यूज़ करते हो ना, तो उसका जो है ना बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, चाहे आप उसको यूज़ करो या मत करो। आप उसको जैसे मान लीजिए आपने गलती से जो है फेसबुक मैसेंजर ओपन कर लिया आज, तो आप 5-7 बार 10 दिन बाद फिर दोबारा फेसबुक मैसेंजर ओपन करेंगे, तो तब तक वो जो है इस बीच के टाइम में जो है वो फेसबुक मैसेंजर का जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, जो कि आपकी बैटरी की ड्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो है यूज़फुल है, वो आपकी बैटरी का जो ड्रेन सबसे ज्यादा करता है वो। तो इससे क्या होगा, अभी जो अपन ने किया है उससे नो बैकग्राउंड प्रोसेस का मतलब यह है कि आपके बैकग्राउंड में, फोन के बैकग्राउंड में कोई सा भी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो रन नहीं करेगा बैकग्राउंड के अंदर। और ये करने के बाद आप इसको ऑन अनेबल कर दीजिए और इसको जो है आप अच्छे से अब यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड प्रोसेस में है जितने भी एप्लीकेशन वगैरह चल रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और उनको जो है आपका फ़ोन जो है रोक देगा। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो तरीका आता है वो है साउंड का। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कोई से भी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, मान लीजिए फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं या डायल पैड में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साउंड वगैरह क्रिएट होता है, वाइब्रेशन होता है साउंड वगैरह क्रिएट। जैसे कि मैं कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ओपन करता हूँ, यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है मेरा फ़ोन, वाइब्रेट हो रहा है, साउंड वगैरह आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये भी जो है आपकी बैटरी को जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर देती है। उसका सोल्यूशन ये है दोस्तों, आपको इसको ऑफ़ कर देना है। मैं ऑफ़ करके रखा हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, वाइब्रेट ऑन रिंग और वाइब्रेट ऑन साइलेंट। तो यहाँ पे आपको इन दोनों ऑप्शन को जो है ऑफ कर देना है, जिससे क्या होगा आपका जो फ़ोन का जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। वाइब्रेशन जो है दोस्तों आपकी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर देता है, यानी कि कोई भी
एप्लीकेशन वगैरह आप ओपन करेंगे या कुछ फ़ोन वगैरह डायल करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट होता है साइलेंटली, जब आप अंगूठे से उसको दबाते हैं तो आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट होता है। तो ये जो चीज़ है उससे जो आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट नहीं होगा, बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं डायल पैड टोन वाले ऑप्शन का भी देख सकते हैं, डायल पैड टोन जो है आप उसको ऑन करके रखिए, लेकिन कीबोर्ड क्लिक्स को ऑफ कर दीजिए और वाइब्रेट ऑन टच को भी ऑफ कर दीजिए, यानी कि आपका जब आप टच करेंगे तो उसका जो वाइब्रेशन है जो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट नहीं होगा। अब जब आप बैक जाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी दबाएंगे करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट नहीं होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, जिसमें जो है आपके फ़ोन की जो है काफ़ी ज़्यादा बैटरी डैमेज होने से बच जाएगी इससे भी, और काफ़ी ज़्यादा इससे आपको जो है फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लग जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये दोनों तरीके जो है बैटरी सेविंग के जो तरीके जो लीगल तरीके हैं बिल्कुल, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जो बहुत सारे एप्लीकेशन अगर बताते हैं कि यार इतनी बैटरी सेव हो जाएगी, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये वाला कर लो, लेकिन उससे आप जानते हैं कि 2-3 दिन काम करते हैं लेकिन बाद में कुछ वर्किंग जो नहीं होते हैं, इन दो तरीके से जो है आप इनको यूज़ कीजिए और आपकी फ़ोन की जो बैटरी है बहुत ही 3-4 दिनों तक अच्छे से चलेगी। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि ये दो तरीके आपको कैसे लगे और आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो कितने दिनों तक चली और कैसे चली। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, हम जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, आप लाइक नहीं करके जाते तो बहुत बुरा लगता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निक साथी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल में ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस अगर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बोलते हैं।